5 मिनट में बिना गैस जलाए ये मिठाई आप घर पे ही बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बना सकते हैं बिना किसी महंगे इंग्रेडिएंट्स के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे, इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। उसके बाद डालेंगे जितना आपने नारियल डाला है उसका आधा क्वांटिटी जाएगा चीनी, और जितना हमने चीनी डाला है उतना ही जाएगा मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे आप चीनी कम भी कर सकते हो। 2 हरी इलायची जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है। इसके बाद डालेंगे हम हरा कलर, फूड कलर है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे डालोगे तो हमारा मिठाई अंदर से देखने में और अच्छा लगेगा। तो बस इसे अभी हम पीस लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा ड्राई मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे आप चाहे तो 2 चम्मच पानी डाल लीजिए या तो दूध। तो यहाँ पे मैंने करीब 2 चम्मच दूध डाला है, तो ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ये बैटर हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, डो फॉर्म में जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उतना ही टाइट चाहिए ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो सके। तो चेक कर लेते हैं, तो ये अभी परफेक्ट है। तो दूध डालते टाइम आप ध्यान देना, ज़्यादा दूध या पानी नहीं डालना है, और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल। इतने सारी चीज़ों में आप 5 मिठाई बना के रेडी कर सकते हो, और खाने में भी बहुत अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स। आप एक बार बना के देखना, यकीन मानिए आपके घर में कोई नहीं पहचान पाएगा कि इतना झटपट और आसान कम चीज़ों में भी ये मिठाई बन के रेडी हो सकती है। तो सेम प्लेट में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 से 7 चम्मच मलाई, जो घर का फ्रेश मलाई होता है साड़ी, उसे मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें दूध भी डाला है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के इसे घोल लीजिए। तो ये थोड़ा गाढ़ा है, तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच दूध और डाला है। अब कोशिश करिए कि रूम टेम्परेचर पे दूध हो, बिल्कुल ठंडा दूध होना चाहिए, गर्म ना हो। इसे फेंट लेंगे। अगर आपको मीठा थोड़ा और चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं, 5 ब्रेड लिए हैं, क्योंकि मैंने 5 पेड़े बना के रेडी किए हैं। तो इसके जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस जो हमने रबड़ी बना के रेडी किया था उसमें हम इसे डिप करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे, इसका बिल्कुल दूध निकल जाना चाहिए, तभी हमारे ब्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और जो ये हमने ग्रीन वाला पेड़ा बना के रेडी किया है उसे डाल के हल्के हाथों से इसे राउंड राउंड कर लेंगे। आप थोड़े बड़े साइज़ के भी ब्रेड ले सकते हैं, मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ वाला नॉर्मल ब्रेड आता है जो 10 रुपये का पैकेट मिलता है, वो यूज़ किया है। तो सारे मिठाइयों को इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड, तो घर में मिठाइयाँ बनती ही हैं, तो आप एक बार इस तरह से इसे बनाना होली पे, यकीन मानिए कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। तब तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी सारे पेड़े बनके रेडी है और इतना रबड़ी बच गया है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही रबड़ी बनाना है क्योंकि हम आगे इसे यूज़ करेंगे। तभी जो हमने ब्रेड बना के रखे थे तो इसका सारा जो ऊपर का दूध था सब निकल चुका है, तो आपको इस तरह से इसे फिल करना है। और वाइट में हमेशा आप पिस्ता ऐड करो तो गार्निशिंग के लिए बेस्ट रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ते डाले हैं और थोड़े से काजू। मिठाई तो हमारी महंगी है लेकिन हम इसे थोड़े महंगे चीज़ों से गार्निश करेंगे जिससे देखने में इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने गोल्डन पेपर यूज़ किया है जो केक में यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हो या तो स्किप कर सकते हो। तो अभी हम सर्व करके देखते हैं। सर्व करने का भी इसका टेक्निक है, इस तरह से आप थोड़ा सा रबड़ी ज़रूर डालना जब भी किसी के प्लेट में आप सर्व करो। तो देखिए ऊपर वाइट और नीचे
ग्रीन कलर, कितना अमेजिंग लग रहा है फ्रेंड्स। तो एक बार बनाइएगा और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।